हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रियलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड एंड यू नो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस। एंड इस साल का ये आखिरी महीना है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। तो आप लोगों ने पूरी साल 2022 में क्या क्या करा और कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहा ये ईयर, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एंड थोड़े से इंग्लिश से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर रखते हैं हम वीडियो में, इसलिए थोड़े से इंग्लिश से रिलेटेड भी बातचीत करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, देन एम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो लोग वर्क करना चाहते तो हैं लेकिन उनके लिए वर्क मिलता नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, अनएम्प्लॉयड रहने का पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न अपने इंडिया में मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ सबसे बड़ा रीज़न दो ही हैं, वो हैं एक स्किल एंड सेकेंड वन इज़ एजुकेशन। दो चीज़ में मार खाते हैं लोग, जिनके लिए एजुकेशन लैक ऑफ एजुकेशन जिनमें होती है एंड स्किल्स नहीं होती हैं, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। अगर ये दो चीज़ें एजुकेशन एंड स्किल अगर उनके पास हों तो आई सेड दैट यू कैन अचीव एनी जॉब इफ़ यू हैव स्किल्स विद एजुकेशन। सो इन दो चीज़ों के साथ साथ आप में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया स्किल्स एंड एजुकेशन। अगर आप में ये दो चीज़ें हैं तो डेफिनेटली यू हैव गुड कॉन्फिडेंस फॉर कन्वीनियंट फॉर गिविंग रिस्पॉन्स टू एनी यू नो दोज हु आर इंटरव्यूअर। जो लोग इंटरव्यू लेते हैं कहीं, अगर आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो आप जो एग्ज़ाम होता है तो उस दौरान अगर आप कुछ भी अगर मतलब पूछताछ होती है तो उसमें आप इजीली जब आप में स्किल होंगी एजुकेशन होगी आपके पास अच्छी तो विद कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई भी जवाब दे पाएंगे जो आपके साथ बातचीत में होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और इन एनी कंपनी। सो ये हमने बात करी व्हाई वी आर अनएम्प्लॉयड, मोस्ट ऑफ द पीपल इसी वजह से अनएम्प्लॉयड है इंडिया में। सो अब बात करते हैं कि अगर आप बाकी में जॉब पाना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में तो ये दो चीज़ों पर ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए, वर्क करना चाहिए, स्किल्स एंड एजुकेशन। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, उस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करें। स्किल्स आपको अचीव करना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पे ध्यान दें कि आखिरकार ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, इंडिया में चल क्या रहा है एंड डिमांड किसकी है, इस चीज़ पे ज़्यादा यू नो गौर करें, ध्यान दें। अगर इन चीज़ों पे आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर यू विल गेट व्हाट यू वांट ईजिली, यू कैन अचीव वॉट एवर योर एम। सो ये तो हमने बात करी कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं और अनएम्प्लॉयड होने का रीज़न क्या है। नाउ इस महीने का ये आखिरी मंथ है, सॉरी इस साल का ये आखिरी महीना है, तो यू कैन डिसाइड वट एवर यू वांट इन फ्यूचर। लोग कहते हैं कि हम अगले साल से अच्छा काम करेंगे। आप अभी से अगर अच्छा काम करेंगे, ये लास्ट मंथ है, अगर आप इस महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे अभी से तो डेफिनेटली यू विल अचीव एंड यू विल ऑल्सो फोकस्ड इन रेगुलर बेसिस इन नेक्स्ट ईयर। अगर आप अभी से अगर अपना टारगेट को अचीव करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ अगले साल से, तो अगले साल आने वाली साल है वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। और अभी से लग जाएं, ना कि एक तारीख का इंतज़ार करें, 2022 का इंतज़ार करने के बजाय आप अभी से लग जाएं उस टास्क को पूरा करने में, जैसे कि आपको जब तक अगली साल आए तब तक आपको कुछ अच्छा महसूस हो और आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो यही कहूँगा मैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश। यू नो
without English we cannot end any session. So in this video we will also discuss sentences related to English in daily life. You know, जैसे मम्मी आप बाजार कब जाएंगी, इस सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे? मम्मी आप बाजार कब जाएंगी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मॉम व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे, आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे तो इसी पे चर्चा करेंगे, तो अगर मम्मी से अगर किसी ने फैमिली में ये बात कही है तो उसका रिप्लाई अगर मम्मी दें लाइक एज क्यों आज बाजार में क्या है, क्यों आज बाजार में क्या है, लेट्स ट्रांसलेट इट. व्हाई, क्यों का मतलब व्हाई, व्हाई व्हाट इज देयर इन द मार्केट टुडे, आज मार्केट में क्या है, व्हाट इज देयर इन द मार्केट टुडे. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे कोई शॉप पे अगर जाता है तो दुकानदार कहता है कि मैडम आइए क्या चाहिए आपको, लेट्स ट्रांसलेट इट. मैडम वेलकम, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट. मुझे घर पर ज़रूरी काम है, मुझे घर पर ज़रूरी काम है, इसको इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, लेट्स ट्रांसलेट इट. आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, या फिर आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे आपने कहीं कहावतें सुनी होंगी, उसी में से एक कहावत है जैसे आपने तो कुल की नाक ही कटवा दी, तूने तो कुल की नाक ही कटवा दी, लेट्स ट्रांसलेट इट. ही हैज़ ब्राउथ अ डिसएग्री टू द फैमिली, ही हैज़ ब्राउथ अ डिसएग्री टू द फैमिली, उसने तो कुल की नाक ही कटवा दी. एक अनदर एग्जांपल. जैसे मैंने सुना होगा कई लोगों से जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनमें से ही कोई अगर बच्चा अच्छा लगता है किसी को तो बोलते हैं ये बच्चा बड़ा प्यारा है, ये बच्चा बड़ा प्यारा है, प्यारा लगता है, लेट्स ट्रांसलेट इट. चाइल्ड लुक्स वेरी लवली, दिस चाइल्ड लुक्स वेरी लवली. आपने एक बात बहुत कॉमन है जो बहुत लोग कहते हैं, वह तो हाँ में हाँ मिलाना जानता है, वह तो हाँ में हाँ मिलाना जानता है सिर्फ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए ट्रांसलेट करके इसको बताते हैं. वह तो हाँ में हाँ मिलाना जानता है, लेट्स ट्रांसलेट इट. सिंपल है, ही इज ओनली अ यस मैन, ही इज ओनली अ यस मैन, वह तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना जानता है, ही इज ओनली अ यस मैन. एक बात और बहुत कॉमन है, वह मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत कॉमन है, वह मेरे बस में बस की बात नहीं है, लेट्स ट्रांसलेट इट. ही इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, ही इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, वह मेरे बस की बात नहीं है, ही इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, लेट्स ट्रांसलेट. टेक अनदर एग्जाम्पल. जैसे आपने एक जब किसी में लड़ाई होती है, आपस में झगड़ा स्टार्ट होता है, तो ये भी बहुत कॉमन सेंटेंस यूज़ करते हैं लोग. जैसे वह तो गाली गलौज से हाथापाई पर आ गए, वह तो गाली गलौज से हाथापाई पर आ गए, लेट्स ट्रांसलेट. फ्रॉम हॉट वर्ड्स they come to blows, they come to blows, from hot words they come to blows, कॉमा लगा के they come to blows, वह गाली गलौज से हाथापाई पर आ गए, ये हमने बात करी कुछ कॉमन्स. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज सेशन, आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में कुछ डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे. अगर आपको ज़रा सा भी ये सेशन, ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. फॉर फ्यूचर वीडियोस यू कैन आल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू कैन गेट इजीली अवर वीडियोस. यहीं तक, धन्यवाद. वीडियो अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.